अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। लेक्चर नंबर 18, डेटा स्ट्रक्चर की बात करने जा रहे हैं आज हम। तो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आपने दोबारा से जो रेफरेंस वेरिएबल पढ़ा है उसी को कॉन्सेप्ट रिपीट करना है। कॉन्स्टेंट कीवर्ड के बारे में हम नॉलेज को गेन करेंगे और एट द एंड हमारे पास कुछ टिप्स होंगी जिनको हमें देखना होगा। याद रहे कि हम इसके बारे में ऑलरेडी बात करके आ चुके हैं कि कॉन्स्टेंट वेरिएबल क्या होता है। जनाब, कॉन्स्टेंट वेरिएबल का जो मतलब या जो मकसद होता है ना, वो ये होता है कि हमने किसी भी कीवर्ड को कांस्टेंट कर दिया, अब हम उसको चेंज नहीं करना चाहते हैं। रेफरेंस वेरिएबल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जहाँ पर एंड का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, जहाँ पर एंड का साइन इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये देखें, ये आपको बता रहा है कस्टमर, इन क्यू, डी क्यू, ये सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इन क्यू का मतलब है डेटा को ऐड करना, डी क्यू का मतलब है डेटा को निकाल देना। ठीक है, मैं डायरेक्टली इसके प्रोग्राम के पास चलता हूँ तो देखें, सर्विस एक ही हमारे पास वेरिएबल है जिसमें आप कहते हैं क्यू एंड क्यू, यानी कि इसका मतलब क्या है। इसका यहाँ पर एंड का मतलब है जनाब के दो, यानी और, लेकिन यहाँ पर अगर एंड होता ना और साथ कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया होता हमने, उसका मतलब फिर हमारे पास डी रेफरेंस आ जाना था। आप कह रहे हैं कस्टमर का डेटा डी क्यू कर लो, निकाल दो और गेट कर दो नेम को, गेट नेम को जो है वो आप यहाँ पे गेट करवा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखें सर्वर, ये आपको एक एग्जाम्पल बता रहा है, मैं डायरेक्टली आपको प्रोग्राम के ऊपर लेके चलता हूँ। ये देखें कस्टमर C1 में क्या हो रहा, न्यू कस्टमर इरफान स्टोर हो रहा है। C2 में क्या हो रहा है जी, न्यू कस्टमर सुहेल स्टोर हो रहा है। इन क्यू का मतलब इंसर्ट करना, और इन क्यू यानी कि इन दोनों को आप क्यू के अंदर आपने सेव करना है, तो उसके लिए हम ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं इन क्यू और डी क्यू। डी क्यू का मतलब निकाल देना, इन क्यू का मतलब डेटा को इंसर्ट करना। मेक श्योर ये दोनों चीज़ें आपको याद रहें। ठीक है, ये देखें, ये आपके पास मेमरी है, ये वही हीप स्ट्रक्चर जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। यहाँ पे देखो तो ये आपके पास है, देखिए वो क्या कह रहा है, ये हीप ग्रोज हो रही है। मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए करूँ तो देखें, ये हीप जो है यहाँ पर सुहेल है, यहाँ पर इरफान है, तो ये देखें मेमोरी स्टोर हो रही है ना, यानी कि ये क्या है, ये बेसिकली फीफो स्ट्रक्चर है। तो वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरह से मेमोरी स्टोर हो रही है और किस तरह से मेमोरी ने सेव करना है इन दोनों नेम्स को। ठीक है, इसी तरह आपका एड्रेस है, ये देखें C1 पे फलां चीज़ पड़ी हुई है, C2 पे फलां चीज़ पड़ी हुई है, C3 पे फलां चीज़ पड़ी हुई है, तो इस तरह से आपकी मेमोरी इंटरनली तौर पे स्टोर होती है। लेकिन हम बाय इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को बताते हैं, बाय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर को बताते हैं कि हाउ यू डू वर्क, आपने कैसे काम करना है। इन क्यू इंसर्ट कर दो, डी क्यू वापस कर दो, यानी निकाल दो, इस तरह से आपने वर्किंग करनी होती है। कॉन्स्टेंट आ गया जी, कॉन्स्टेंट वर्ड ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, कॉन्स्टेंट एक की वर्ड है जो कि कभी भी आपकी वैल्यूज को चेंज नहीं करता। जिस तरह देखिए मेरी क्वालिफिकेशन फर्स्ट कीजिए बैचलर्स है और मास्टर्स है। अब मेरी क्वालिफिकेशन मास्टर्स है, मैं आगे नहीं पढ़ रहा, तो मैं अपनी क्वालिफिकेशन फिल फॉर कांस्टेंट कर दूंगा, दिस इज माय कांस्टेंट क्वालिफिकेशन दैट आई हैव पास द एग्जामिनेशन ऑफ MSc। यहाँ तक मेरी क्वालिफिकेशन खत्म हो गई, तो अगर मैंने MSc किया तो कोई बंदा इसको चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, जिस तरह आप LMS के ऊपर क्विज करते हैं, आप देखें 90 सेकेंड्स का टाइम होता है आपके पास, 90 सेकेंड से ज़्यादा नहीं होता, वो टाइम कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट एक कीवर्ड है प्रोग्रामिंग में, जिसको आप अगर कोई वैल्यू दे दें, कोई वैल्यू पास कर दें, कोई वेरिएबल दे दें, तो उसकी वैल्यू आप बाद में चेंज खुद भी नहीं कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल है, ये कॉन्सेप्ट हमारे पास कॉन्स्टेंट का होता है। ये आगे टिप्स देखें जी, टिप्स इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाय द पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू, एंड आपके जो कंसेप्चुअल पेपर आता है ना आपका, जहाँ पे आपके MCQs इसके बारे में पूछा जा रहा होता है, उसके बारे से मैं आपको टिप्स गाइड करूँगा। यहाँ पर आपने ज़रा गौर से चीज़ों को समझना है, थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी कॉन्सेप्ट आएगा आपका। अर्थमेटिक ऑपरेशन में हम पॉइंटर्स को इस्तेमाल करते हैं, कैन नॉट बी परफॉर्म ऑन रेफरेंस, जो कि रेफरेंस के साथ परफॉर्म नहीं किया जा सकता। देखें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वो वाले ऑपरेटर होते हैं जिस तरह प्लस है, माइनस है, ये बात आपने पेपर के हवाले से याद रखनी है कि प्लस क्या है, प्लस एक बाइनरी ऑपरेटर है, माइनस क्या है, माइनस भी एक बाइनरी ऑपरेटर है, यानी कि आपको दो ऑपरेंडा जरूरी है, ए प्लस बी। अब ये ए और बी, ये दो ऑपरेंड होंगे तो ये ऑपरेटर काम करेगा। अब आप फर्ज करो यहाँ प्लस नहीं, यहाँ माइनस है, मैं यहाँ पे माइनस डाल देता हूँ। देखें अब माइनस हो या ना हो, लेकिन ऑपरेंड का होना जरूरी है, ए बी। अगर ये ऑपरेंड माइनस नहीं भी है ना, तो ए बी, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट आप समझेंगे डॉट है, यानी मल्टीप्लाई करवा दो। तो इस तरह से अर्थमेटिक ऑपरेटर काम कर सकते हैं। दूसरा देखें, रेफरेंस वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड एंड इनिशियलाइज्ड इन वन स्टेटमेंट, दिस इज समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बाय द MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। रेफरेंस वेरिएबल आपने डिक्लेयर करना होता है जब आप वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे होते हैं। अवॉइड डेंगलिंग रेफरेंस, यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट ज़रा ट्रिकी हो जाता है, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको टाइम दूंगा समझाने वाला। देखें डेंगलिंग रेफरेंस हमेशा तब आता है जब आप मेमोरी को गलत एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, जब आप मेमोरी के साथ छेड़छाड़ करते हैं। फ़र्ज़ करें, इसको हम यहाँ पर ज़रा ड्रॉ कर लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए ये मेरे पास एक मेमोरी है,
यहाँ पे एक और स्टोर, यानी यहाँ पे कोई भी चीज़ स्टोर हुई है, मैं यहाँ पे कुछ भी आपको स्टोर करवा के दिखाऊंगा। मैं यहाँ से प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इसको एक नाम दिया होता है आपने, ठीक है। अब आप फर्ज करें कि आप यहाँ पे लिखते हैं, ज़रा इसको गौर से समझिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे जाके बहुत इसका इस्तेमाल होगा आपकी जो है वो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। देखें, मेरे पास एक वेरिएबल है ए और इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे कोई भी नाम सेव, तो मैं करता हूँ जी वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है जी। मैंने यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन को सेव किया, इसी के साथ साथ मैंने कह दिया ए ये बराबर है किसके, एम डॉट एस ए के ओ आई, यानी मेरे नेम के। देखिए ये नाम यहाँ पे सेव हो गया, यानी कि मैंने दो वेरिएबल्स को एक साथ डिक्लेयर कर दिया। अब ये मेमोरी में एक ए का एड्रेस है, मेमोरी में कहाँ है, मेमोरी यहाँ पे जो है वो ए पड़ा हुआ है, यानी कि आप फर्ज कीजिए ये ए है, ठीक है जी। अब इसका एड्रेस फर्ज करो कोई भी हो सकता है जीरो, ये इसका एड्रेस हो गया। अब आप ये देखें यहाँ पे वैल्यू, पहले वाली कौन सी वैल्यू है, पहले वाली वैल्यू जी वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। लेकिन इसी के साथ साथ आपने ये बात याद रखनी है कि अब दूसरा वेरिएबल का नाम क्या था, दूसरा भी जो देखें ए था ना, यानी यहाँ पे देखिए दोनों ए थे, अब दोनों में से एक का नाम था वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन और एक का नाम था जी मोहम्मद साकिब। अब यहाँ पे आप चेक करें तो एक ही ए है और इसके साथ जो हमने पहली वैल्यू को डिक्लेयर किया हुआ है वो यहाँ पे स्टोर होगी वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, तो ये यहाँ पे चैनल का नाम जो है वो स्टोर हो गया। अब क्या होगा, अब ये ए ने दोबारा इसके अंदर जाना है, अब जब इस एड्रेस में ए दोबारा जाएगा तो यहाँ पे आपके पास ये ए स्टोर नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी वैल्यू पड़ी है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ये डेंगलिंग रेफरेंस है, यानी कि आपने गलत एड्रेस प्रोवाइड कर दिया, आपने एक फिल बॉक्स को दोबारा फिल करने की कोशिश की है, तो अब आपके सिस्टमेटिकली एरर और सिस्टमेटिकली प्रोग्राम और सिस्टमेटिकली कॉन्सेप्ट्स जो अब आपके आएंगे जिसके अंदर आप आगे जाके पढ़ेंगे, और आप सी एस 201 के अंदर कुछ हद तक ये कॉन्सेप्ट पढ़ के आए कि मेमोरी लूज हो जाती है, कंप्यूटर डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट का मसला होता है और यहाँ पे फिर हमें बहुत सारे एरर्स का सामना करना पड़ता है और सम टाइम हमारा प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये डेंगलिंग रेफरेंस है, ये कंप्यूटर के लिए और आपके प्रोग्राम के लिए एज वेल एज प्रोग्रामर के लिए बड़ा जो है वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इस कॉन्सेप्ट का उसने ख्याल रखना है कि मैंने एक ही वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल के साथ जो है वो डेंगलिंग जो है वो रेफरेंस तो नहीं दे दी, यानी कि मैंने उसका एड्रेस सही प्रोवाइड किया। मेमोरी के साथ जब आप छेड़छाड़ करते हैं तो आपको मेमोरी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। उसके आगे देखें जी, हम ग्लोबल वेरिएबल को इस्तेमाल करते हैं और डायनामिक अलोकेटेड वेरिएबल को इस्तेमाल करते हैं। डायनामिक अलोकेटेड वेरिएबल का मतलब होता है कि आपने हीप के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करना है। हीप भी एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि आप आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन याद रहे हीप हम कहते हैं मेमोरी के ढेर को, जहाँ पर मेमोरी हमारे पास पड़ी होती है ना, वहाँ से हम मेमोरी को गेट करते हैं और अपने लिए उसको यूटिलाइज कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ अरेज। हम इस्तेमाल करते हैं जी एरो ऑपरेटर को, किसके लिए, पॉइंटर्स के लिए, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप एरो ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं दिस वन, किसके लिए, पॉइंटर्स के लिए, ठीक है, पॉइंटर्स के साथ, सॉरी आप डी रेफरेंस के लिए आप जो है वो इस्तेमाल करते हैं एरो ऑपरेटर को विद पॉइंटर्स, पॉइंटर के साथ। आई रिपीटेड दिस कॉन्सेप्ट, आप पॉइंटर्स के साथ एरो को इस्तेमाल करते हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर्स के लिए। कॉन्स्टेंट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि आपकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता और ना करता है, तो ये कॉन्स्टेंट की वेरिएबल थी। छोटा सा लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा। मेक श्योर कि प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।